गम समहा इन राहों की तरह, तेरे ख्वाबों में तेरी ख्वाहिशों में छुपा, ना जाने क्यों है रोज का सिलसिला, तू रूह की है दास्तां। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आभास गुप्ता की एक नए वीडियो में। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ही रैंडम, और आज है हमारा कॉलेज का एक आखिरी दिन जिसका आज ये ब्लॉग में बना रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो हमारे साथ है मिस्टर आशुतोष, यहाँ है मिस्टर हमारे साथ साहिल जी, और यहाँ पे हमारे साथ मिस्टर लालू, और ये हमारी प्यारी मियाँ खलीफा। तो हम लोग यहाँ पे अपने जो है कर रहे हैं सारा प्रेजेंटेशन की तैयारी। आज जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ, फोर्थ ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर होता है ना, 8 सेमेस्टर, उसके अंदर एक प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर देखो इस तरीके की एक फाइल प्रिपेयर करनी होती है। तो ये हमने फाइल प्रिपेयर की है, एडवर्स इवेंट्स सेफ्टी एनालिसिस ऑफ प्रोटॉन पर इनहिबिटर रिस्क मैनेजमेंट। और किस में आया, कौन आया भाई? IPC डायरेक्टर, IPC के फार्माकोपिया कमीशन डायरेक्टर, जिस इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के अंदर अभी हम लोग गए थे, जहाँ पे आपको मैंने इंडियन फार्माकोपिया दिखाई थी ना, वो लैब्स वगैरह दिखाए थे सारे। तो वहाँ के जो डायरेक्टर है वो आए हैं यहाँ पे एज अ एक्सटर्नल, ठीक है, तो वो आए हैं यहाँ पे। और ये हमने फाइल बनाई रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये ऐसी फाइल है, हमें 3 फाइलें बनानी होती हैं और बहुत ही सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं, रिसर्च वगैरह कर करके, और ये चीज़ें होती हैं। और लास्ट में यहाँ पर जो होता है एक प्रेजेंटेशन भी बनती है। इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सारे प्रेजेंटेशन है, इसका PPT पूरी बनानी होती है। और इसको जो है हम सारे कैटेगरी में भी कर सकते हैं, 2-2 स्लाइड्स से 4-4 स्लाइड्स हम बता सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इकट्ठा ही बता सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक छोटी सी दे रहा हूँ। प्रेजेंटेशन को अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, अब यहाँ से जाने के बाद प्रेजेंटेशन देंगे। 1-2 लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है, बता रहे काफ़ी टफ था, काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, तो अभी हम लोग भी देखे आए, उसके बाद बताएंगे। तो तक छोटे छोटे से क्लिप्स आपको जो दिखाऊंगा, अंदर प्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है एक व्यू दिखा दूंगा, ठीक है। तो साहिल भाई, आप इंट्रोडक्शन देने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? भाई मेरे पास की बात नहीं देना, तुम्हारे पास क्यों, ऐसा क्यों है? तो वो बंदा अच्छे से पेल रहा है मैंने, भाई क्यों भाई? मैं गया था पहले वाला, गया था इतना पेला, बाकी से कुछ हो गया, बाकी 4 फर्स्ट वाले को ऐसा पेला दर्द हो रहा है। अरे बाप रे बाप, ला रहे थे गांड पे। नहीं तो ऐसा है ना भाई, हम इसकी तरफ से जाते हैं और हम कह देते हैं सर गुड मॉर्निंग, ले लो इसकी। जब तक हम लोग ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब तक आप लोग देखो फार्मेसी डिपार्टमेंट के कुछ अच्छे से शॉर्ट्स, और फिर मिलते हैं हम आपको आगे प्रेजेंटेशन देने के बाद। देर से पढ़ रहे थे और सरब लंच करने चले गए, और हमारा प्रेजेंटेशन रह गया। अब थोड़ी देर बाद जाके खाना खा के फिर वापस आएंगे। झूठ क्या बोल रहे हैं, सही नहीं कह रहा है, पढ़ रहे थे इतनी देर से, पढ़ रहे थे, अब जा रहे खाना खाने, फिर आएंगे जब सर खाना खा के आ जाएंगे। भाई देखो कितना चिलबिलाती हुई गर्मी है, देखो 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 भाई। आप में से जितने लोग सोचते हो ना कि यहाँ से PDM से पढ़ने के बाद यहाँ पे जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, बी फार्मा गन्ने के जूस वाले भी यहीं पे है, PDM के ठीक सामने खोल दिया इन्होंने, ठीक है, ये देख रहे हो दुकान खोल दिया इन्होंने, गन्ने का रस, बी फार्मा गन्ने का रस वाला। तो भैया क्या आप अमूल मक्खन भी डाल रहे हैं इस जूस में? अमूल मक्खन भी डाल रहे हैं क्या इसमें? चीज तो डालो, अपने गन्ने का जूस तो निकलवा लो। ये कटोरा कहाँ से ले आए, पहले भीख मांग रहे थे क्या? इतना बड़ा कटोरा उसमें भी कंपटीशन बहुत था ना, इसमें भी करने के जिद करी था। कोल्हापुरी गन्ना। स्लाइड चेंज इन प्लान, गन्ने के जूस को ना पी करके हम जा रहे हैं आगे सीधा बग पॉइंट पे। बग पॉइंट पे जा करके पीना है और खाना है खाना। तो भैया पेप्सी और नाश्ता करके वापस आ गए। ठीक है, गन्ने का जूस पीने गए थे, मिला। उसके फिर बाद में क्या कहते हैं यहाँ पे पेप्सी पीने गए थे। हाँ, गन्ने वाले का वाइवा आ गया। गन्ने वाले की वाइवा हो रहा है। अब चल रहे हैं अंदर की तरफ में, टीचर आ गया और गन्ने वाले को बुलाया, पहले साले अपनी डिग्री तो ले जा, कंप्लीट कर ले। हाँ भाई, तब तो स्टार्टअप चलेगा। सही बात है, पहले डिग्री ले ली जाए। तो अभी चलते हैं भाई, एक बार प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। हम नीचे आ गए, यहाँ देखो सारे प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी। हाँ, और ये देखो हमारे ग्रुप के ओपनर, और ये फिनिशर, और वो बिगड़ने वाले बीच वाला बीच वाला। सब लोग कमेंट्स में बताओ, ये आज लड़की जैसा लग रहा है या लड़के जैसा लग रहा है। ये आप देख सकते थे, कच्ची कच्ची मूँछों वाला लड़की, कच्ची मूछे वाली लड़की। ऐसा नहीं लगता ये बंदा उछलता हुआ आ रहा, देखो डोरेमोन जैसा। Just now you are saying it is an anti-cancer drug, and at the same time you are saying that it causes cancerous growth. भाई राठौर की तो ले ली भाई मैसर ने, बहुत तगड़ी। राठौर की तो ले ली सर ने। तो दोस्त, हो गया हम लोग का प्रेजेंटेशन। डन विद द फार्मेसी, डन विद दिस ग्रेजुएशन, डन विद दिस कॉलेज। सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं है, बस डिग्री मिलेगी और हमें यहाँ से उड़न शुरू। तो ऐसा ही है, और अभी चल रहे बाहर की तरफ में। तो दोस्त, अभी है बहुत बड़ी खुशखबरी। आपको याद है फार्मेसी डे की एक मैंने वीडियो डाली थी बहुत पहले, उसके अंदर मैंने और राठौर ने परफॉर्म किया था जो गिटार बजा करके, और उसका हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। और हम लोग कुछ स्पोर्ट्स डे हुआ था, उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है पहले से अपने चैनल पे, वो भी देख लेना। तो उसमें भी हम लोग बहुत सारे रेसेस जीते, 2-3 रेस जीते थे, तो उसकी भी सर्टिफिकेट अभी हम लोग को मिलेंगे। आज लास्ट डे है, तो मैंने बोला मैम से, तो मैम ने कहा अभी देती हूँ तुम्हें। तो भाई हम सबको मिलेगा। यहाँ पे हम लोग इसलिए बैठ गए हैं, हमारा भाई जा रहा है सारे सर्टिफिकेट लेने के लिए, अपने जो जो मैंने जीते थे, और वो सारे अभी जा रहे हैं डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज से लेने के लिए। तो अभी चलता हूँ अंदर, मैं फ़ोटो दिखाता हूँ कैसा। तो यहाँ देखो भैया सब एक दूसरे की छाती पे लिख रहे हैं क्या 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 क्या। अरे गुप्ता जी, आप तो आपके तो कुछ लिखा ही नहीं। क्या लिख दिया? हमारे तो वही हो, ब्रांड एम्बेसडर यही है। पूरा जो पीडीएम का फंक्शन हुआ है, हमारी सारी यादें इनके ब्लॉग में, सारी यादें इनकी ब्लॉग में धरी पड़ी है। हम जब भी देखना चाहे देख सकते, लेकिन गुप्ता जी खुद अपने ब्लॉग में नहीं लिखा, खुद नहीं लिखा रहे। व्यूवर्स देखो, हम याद करेंगे आपको। आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। ऐसे कर रहा है जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन साइन करता चेक, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। हमारी यादों चेक फाड़ रहा है। अरे तेरा तो मेरे पास क्या बिना भाई, इतनी कौन सी तगड़ी बात लिख रहे हो यार, गाली वाली तो नहीं। अभी यार देर में लिख रहा हूँ भाई, लिखने दो यार, लिखने दो। दूसरे का मार्कर है इसके पास, लिखी जा रहा, लिखी जा रहा, रुकी नहीं रहा। लिख दिया। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे है हमें वो दिन, ना किसी मंजिल की फिकर थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन, भी क्या दिन थे वो दिन, भी क्या दिन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे कर लेना फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो जो भी एडमिशन के रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो एक बार इंस्टाग्राम पे मुझे पिन कर देना, मैं वहाँ पे आपको जल्दी रिप्लाई दे दूँगा। और मिलता है आगे इसी वीडियो में दोस्तों, तब तक हरे कृष्णा। बिगड़े हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे, लेकिन ब्रदर जो भी कहो वो यार ही तो जान थे। कॉलेज की कुड़ी से करने आंखें चार के दिन थे, आए जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे वो दिन, भी क्या दिन थे। Then